जहां एक ओर प्रदेश भर में सरकार द्वारा जीवन दायिनी के रूप में मरीजों को सेवा उपलब्ध करवाई गई 108 व 102 एम्बुलेंस के अब इन जीवन दायिनी 108 एम्बुलेंस के पहिए फिर से जाम हो गए हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं व दूरदराज क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। 108 सेवा पोंटा साहिब शिलाई राजपुरा स्टोन रोनहाट में खड़ी हो गई है। साथ ही उपमंडल पोंटा में 102 एम्बुलेंस भी खड़ी हो गई है। एम्बुलेंस रुकने का कारण इस बार भी डीजल नहीं मिलना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सिरमौर जिले में पेट्रोल पंपों ने 108 एम्बुलेंस को उधार तेल देना बंद कर दिया है, जिसका कारण 108 का संचालन कर रही कंपनी जीबीके की तरफ से पेट्रोल पंपों के उधारी बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालक कई लाख से अधिक उधार बता रहे हैं। पेशेंट के साथ आए व्यक्ति ने बताया कि प्रदेश सरकार मंत्रियों के लिए 30 लाख की गाड़ी दे रही है, जबकि गरीब लोगों को एम्बुलेंस की सेवा भी सही ढंग से नहीं चला पा रही है। सरकार से जोरदार आग्रह किया है कि 108 की सेवा जल्द से जल्द चलाई जाए। ये जो जिला सिरमौर में जो गरीबों को सेवा देने वाली जो 108 एम्बुलेंस सेवा है, ये 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इसमें इनके जो पहिए हैं वो जाम हो चुके हैं। सरकार के पास इनके लिए तेल भरवाने के लिए पैसा नहीं है और जो ये सेवा है गरीब जो तबका जो है जो इसकी इसको इसकी जो सुविधा लेते हैं उनके लिए सरकार के पास कोई भी इसको चलाने के लिए कोई भी तेल के लिए जो पैसा नहीं है। 12 लाख से ऊपर जो वालिया पेट्रोल पंप का जो कर्जा है वो देना है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और मंत्रियों को 30-30, 35-35 लाख की जो गाड़ियां दी जा रही है, तो मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इनकी और भी ध्यान दें, गरीबों की और भी ध्यान दें, क्यों कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और 108 को फिर से चलाया जाए, इनको तेल दिया जाए और जो पिछला जो पेट्रोल पंप का जो पड़ा हुआ पैसा है वो उनको दिया जाए। संजीव सहगल ने बताया कि इसकी शिकायत 108 के उच्च अधिकारियों व अपने हॉस्पिटल के उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा दिया गया है और जल्द ही उन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। 108 जो है यहाँ पे सर्विसेज कल शाम तक तो चल रही थी और उसके बाद आज सुबह से आज इनको डीजल नहीं मिला है तो आज प्रॉब्लम आ रही है। सर आपने से शिकायत की है ऊपर? मैंने हसीमों साहब से मैंने बात कर ली और जो इनके सोलन में बैठते हैं मिस्टर आकाश जी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शायद कुछ पैसा डालने की प्रॉब्लम है कि आज से गाड़ी नॉर्मल चलेंगी, लेकिन आज अभी तक गाड़ियाँ जो है अभी तक नहीं चली। सर यहाँ पे कितने लोग पेशेंट आते हैं जिनको समस्या हो रही हो? यहाँ तो एमरजेंसी चलती रहती है, ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन ये है कि हमने क्योंकि पेशेंट सफ़र ना करे उसके लिए जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनको हमने रात को भी बोल दिया था, सुबह भी बोल रखा है कि कोई पेशेंट होगा ताकि उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए।